सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पागल हो गया क्या? बक रहे नशे में। सच कह रहा हूँ। तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? इतना घिनौना काम, वो भी अपनी सखी बहन के साथ। इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मैं आज वो करूंगी जो आज तक कभी नहीं किया। पुलिस को फोन करूंगी। तू जेल जाएगा, जेल। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और क्या कर रही है? मैं बोले छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो। चल जल्दी। नहीं जाने दूंगी। हटो पीछे। नहीं, मैं जैसे तेरी माँ हूँ वैसे उसकी भी माँ हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी। कौन सा इंसाफ? मैं हटो पीछे। तू जेल जाएगा, जेल। हट तू, हट। जाने दूंगी। मैं हटो। कुलदीप इसे मुंह बंद कर। क्या कर रही है? हटो। नहीं पुत्र, नाश्ता कर ले, परांठे बनाए हैं मैंने, आ जा। ये ले मन्नू, अपना टिफिन रख ले। सब सामान रखा है ना ध्यान से? अरे बेटा आराम से खा, बैठ जा। मैं बहुत स्वाद बनाया, लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं आगे खाऊंगा। चल मन्नू, तू कर ले नाश्ता फटाफट। चल बैठ जा, देर हो जाएगी स्कूल के लिए। चलो मम्मी, मैं चलता हूँ। पुत्र, तेरे काम का क्या बना? ओ मम्मी, एक फैक्ट्री में काम की बात हुई है। देखो शायद काम बनी जाए, वहीं जा रहा हूँ। और मुझे ना नौकरी करके घर की हालत ठीक करनी, ये मन्नू की शादी करनी। ओए ऐके कह रहे हो वीर जी, मैं नहीं जा रही कहीं भी। ऐसे ऐसे नहीं जा रही है, तुझे जाना पड़ेगा है? अच्छा जी, उम्र है पुत्र, जा। हाँ लियो। चल चल मन्नू, तू भी जल्दी कर। हेलो, हाँ जी सर जी, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। हमने वो नौकरी कुराना साहब के बेटे को दे दी। सब सब मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर। सब प्लीज ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से इस नौकरी की बात की थी। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता सब, प्लीज। सॉरी। अरे कुलदीप, क्या हो गया? कुछ नहीं है। बोलना, किसी ने कुछ कहा? एक बार बोल, फोड़ के रख देंगे। जिस फैक्ट्री में काम की बात की थी वो नौकरी भी गई हाथ से। तंग आ गया हूँ यार, जब भी नौकरी के लिए जाता हूँ उसमें कुछ हो ही जाता है। अरे यार इतनी तो कंपनीज हैं, तू टेंशन ना ले, और कोई नौकरी मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी नौकरी यार मनोज, कब से हाथ पैर मार रहा हूँ। तनी मेरी किस्मत में पत्थर ही लिखे हैं। मम्मी मन्नू, कैसे जिम्मेदारियां निभाऊंगा मैं? कभी कभी लगता है मर जमा जाके। चल हट, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। उदास ना हो, चल मैं तेरा मूड बनाता हूँ, सारे गम भूल जाएगा। चल बैठ। मेरे को कहीं नहीं जाना है। तुझे पहले भी कहा था कि हमारे साथ चल, सारे गम मिट जाएंगे। चल अब बैठ। ओ यार। अरे बैठ जल्दी, ज्यादा बातें ना कर। नहीं यार। अरे बैठ बैठ ना। चला जा। ये ले। कहाँ गए हम? जन्नत।
कोई कौन सी जगह है? चला तुझे दिखाते हैं अपनी जन्नत। तुझे पहले भी कहा था कि चल हमारे साथ। भाई मेरे अगर पहले आया होता ना तो आज ही रोता ना। यार पर ये सही नहीं है यार। क्या सही नहीं है, अपनी हालत देख, कितना परेशान है तू। ये ले ले सारा दुख दर्द दूर। सच्ची बोल रहा हूँ, मजा आएगा, ले ले। नशा, ओ यार ये गलत है यार। मनोज यार मेरी बात मान, ये छोड़ दे यार, ये गलत है यार। अरे बैठ तू यहाँ, खुद को देख कैसे उदास रहता है और हमें देख 24 घंटे खुश। ओ भाई इसका राज ये है। ये ले पकड़। चल 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 पी, चल चल पी उसको, पीले 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 पीले। बना तेरी बारी, डाले अपने सारे गम। अरे इतना देख क्यों रहा है, तेरे दोस्त हैं बस, देखो जीना सिखा रहे हैं। चल चल लगा ले, लगा लगा चल, चल लगा 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 ले लगा ले लगा ले लगा ले। बस सुधर जाओ, सुधर जाओ, बर्बाद हो जाओगे। चला अंकल आप भी लगा लो, जन्नत पहुंच जाओगे। ले तो बड़ा मजा सा आ रहा है, कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। अब रोज सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगेगा सतवीर, कल तेरी बारी। हो नहीं हो जाएगा, फिकर नॉट। कुलदीप भाभी आ रही है। जा कुलदीप, आज अपने दिल की बात बोलने पर चल जा, जा फिर बात, जा जल्दी। कुलदीप तू? हाँ वो मैं ना। क्यों आया बोल। अरे बोल ना। वो मैंने तनु कुछ कहना चाहना है। बोल ना। तू ना मेनू बहुत चंगी लगती है, मैं तनु लव करना। क्या तू भी? कितना टाइम लगा दिया बोलने में, चल ला। बहन जी अब तो चांदनी हमारी हो गई, बस कुलदीप किसे काम के लग जे, इसी साल ब्याह कर देना। जरूर जी जरूर। ओए वीरे अभी तो छोड़ दे मेरी भाभी को। ठीक है तो मैंने तब तक भगा देना है। अरे बड़ा मजा आएगा जब तू हमारे घर आ जाएगी, खूब मजा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। La 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 la
जन्नत लेके आया तुझे। आजा। ए आजा ना। बैठ। बैठ ना। ले पी। नहीं 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 अब मैंने नहीं चाहिदा है। क्या नखरे कर रही है? पी ले पी ले। नहीं 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 मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेनू प्यार कर दी है, ब्याह होने वाला है, हैं? पति की नहीं बात मानेगी तो किसकी मानेगी? चल पी ले। नहीं वो मैं अरे तू पी ले पी ले पी ले पी ले पी ले। अब तेरे को एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे लेके तू जन्नत की सैर करेगी। कोई ना, पहली बार है। ये भी तुम पीते हो क्या? हाँ, इसे लेके ना जन्नत की सैर होती है। नहीं ये नशा सही नहीं है, तुम रहने दो इसे। और रहन दे। देख ऐसे लेते हैं इसे, हाँ सीख ले तू भी। वो मजा आता है। ले बोले पी ले। नहीं नहीं मम्मी पापा ने पता चलेगा ना मैं तो गई। जब तेरा पति बोल रहा है कि तू ले ले क्या मम्मी पापा कर रही है, हाँ तेरी शादी होने वाली है मुझसे, जो मैं कहूंगा वही तू करेगी। ले बोले पी ले। चल ले चल ना। ले लंबी सांस ले। मजा सुधरेंगे नहीं जे, ये तो गए काम से। ओके वीरे। क्या हो गया, डर क्यों रही है? पापा दरवाजा खोलेंगे, देख लिया तो? कुछ नहीं होना है, चुपचाप ना मुंह नीचे करके चले जाइयो। देख ऐसे मत करो, करके ऐसे ऐसे ना ऐसे करके ऐसे चले जाइए। अब कुछ नहीं होना है, ठीक है? डर ना, चल जा। और कल फिर मिलना है हमने, पता है ना? चल जा।
कुलदीप पुत्र सुन, नशा किया तूने? हाँ बेड़ा घर खोए, बोल कहाँ से लिया, बोल बर्बाद होना तूने औरों की तरह। परे हटो, आते ही शुरू हो गया। वीरे ये तू कैसे कर सकता है? हाँ कहाँ मिल गया ये तुझे? भूल गया पड़ोस के रंजीते का क्या हाल हुआ था? यार बस करो, बस करो। तू चुप कर और मेरी गल ध्यान ना सुन। पर इस चप्पल से जल्दी खड़ा नहीं ना छुड़ाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होना। यार परे हटो, तू मम्मी को धक्का देगा उन? पागल हो गया क्या? कर क्या रहा है ये तू? चुप कर कुलदीप। क्या हो गया तुझे? पागल हो गया ये नशे में लड़का? नशे का आनंद जहां सब कुछ बहुत हल्का हल्का लगता है लेकिन बाद में ये हल्कापन जिंदगी का भारीपन साबित होता है, बर्बादी का भारीपन। नशा हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है और एक भयानक खाई में ऐसे फेंकता है कि जहां गिरने के बाद हमें सही की आवाज तक नहीं सुनाई देती, सुनाई देती है तो सिर्फ गलत की आवाज। नशा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है जिसके कारण हम अपने पर आए सही गलत का फर्क नहीं कर पाते और जुर्म की तरफ बढ़ते जाते। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड में कुलदीप भी नशे की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा था जिसके कारण वो सही गलत का फर्क करना ही भूल गया था। जिम्मेदारी उठाने की लगन से कब वो नशे की तरफ मुड़ गया उसे भी पता नहीं चला। लेकिन अब क्या, ये नशे की आदत अब उसकी जिंदगी में और क्या क्या तूफान लाने वाली थी, आइए देखते। सुन तो यार, मुझे माल चाहिए, बहुत बेचैनी बढ़ रही है। हैं तू तू छेती मिल जाते भाई। दीपेव वो सारा माल तो खत्म हो गया, अभी माल नया लेके आना पड़ेगा। वो पैसों से आएगा, तू पैसे लेके आ जा। ओ यार पैसे बाद में दे देंगे यार, तू 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 पहले माल लेके आ। हैं यार बहुत बेचैनी बढ़ रही है समझ। दीपेव मुझे वो उधार नहीं देगा। हैं पैसे तो जुगाड़ कर दे। ना माल का जुगाड़ कर देता हूं मैं, ठीक है? ठीक है मैं कुछ कर दूं, तू माल लेके आ। हाँ तू पैसों से जुगाड़ कर, माल लेके आ तू। पैसे चाहिए थे, प्लीज प्लीज। समझ की क्यों चाहिए? नहीं है पैसे, छोड़ दे उसे, दे दे मेरे पैसे। मनु नहीं मेरे पैसे, मेरे को पैसे नहीं है। पैसे दे कुलदीप, मेरे बच्चे दे, मेरी बात सुन, तुझे ये सब छोड़ना होगा। मैं और मनु तेरी मदद करेंगे बेटा। हाँ गिरी तुझे पता है ना ये सब गलत है, हम तेरी मदद करेंगे। चुप, पैसे दो, पैसे पैसे पैसे। नहीं है पैसे, रख दे इसे, मैं बोल रही हूँ। क्या कर रहा है कुलदीप, छोड़ दे इसे, रख दे। मैंने मैंने और पैसे क्या कर रहे है तू? क्या कर रहे से सामना। हाँ पर मैंने थोड़ी देर कर दी। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। जी शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए
जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। जरूरत है जागरूक होने की, जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। परेशान हो रहे हो, नहीं उठाएगा वो फोन, पड़ा होगा नशे में कहीं। हटा इसे। इतना अच्छा लड़का था मेरा, पता नहीं कैसे बर्बाद हो गया। वाहेगुरु उसे बचा लेना। पापा के 10 मिस कॉल, क्या बोलूंगी मैं उन्हें, वो मार डालेंगे। अरे चुपचाप चले जाना ना, जैसे पिछली बार गई थी। रोज रोज सर छुपा के थोड़ी ना जा सकती हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि पापा ने इतने फोन किए क्यों, वो मुझे जीने में नहीं दे सकते क्या। इतने अच्छे दिन देखने के बाद थोड़ी डांट खा लेना, की फर्क पड़ता है। हाँ वो भी ठीक है। चल मैं तेरे को छोड़ के आ, चला। अरे क्यों जवान लड़की हाथ उठा रहे हो, देखो क्या किया इसमें, नशा शराब। हाँ हाँ पिया शराब किया है नशा, तो क्यों ना करो, जिंदगी है मेरी। हाँ देखो कैसे बोल रही अपने बाप से। बाप 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 नहीं हो, दुश्मन हो आप, भी नहीं जीने देते। क्या बोली तू, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है तुमको, तुम्हारी हर बात सुनी है, सब कुछ तुमको दिया है, लेकिन तुम शराब पीकर घर में आओगी तो ये मैं करने नहीं दूंगा। हाँ क्यों क्यों ना पियो मैं शराब, हाँ मैं करूंगी नशा, जब मेरे होने वाले पति को कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों होने वहाँ। देखो कैसे बोलती है बाप को, जहाँ तक कुलदीप की बात है कोई शादी वादी होने वाली नहीं है, आप मैं खाली उसके घर जाके उसकी माँ को बोल दूंगा। क्यों क्यों नहीं होगी मेरी कुलदीप शादी, हाँ क्यों नहीं होगी मेरी कुलदीप से शादी, हो करेगी, प्यार करती हूँ मैं उससे, मेरी जिंदगी है, मैं कैसे बची हूँ। हाँ चांदनी तुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप के साथ ऐसे बात करती हो, ये तू नहीं ये तुम्हारा नशा बोल रहा है, देखना एक ना एक दिन तू जरूर पछताएगी, समझी। शांत हो जाओ।
कुलदीप बेटा देख क्या हाल बना लिया इसने अपना। बेटा ये सब छोड़ दे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ बेटा। कुलदीप ओ जाओ यहाँ से, मेरे को कहीं नहीं जाना है अब, और ना ये सब छोड़ना है। तो आपसे अच्छे तो मेरे दोस्त हैं, मेरे को समझाते हैं, जो करना चाहता हूँ वो कराते हैं। कुलदीप मनु ने नशा मुक्ति केंद्र ढूंढा है, तू मान जाना हम वहां चलते हैं, ये सब छूट जाएगा बेटा। नहीं जाना, और जाओ यहाँ से, सर चले जाओ, आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, नहीं छोड़ना मुझे, समझते ही नहीं है, और नहीं छोड़ना मुझे। शशिकाल जी आओ जी आओ, बैठो जी। बैठने को छोड़ो, हम तो ये रिश्ता तोड़ने आए हैं बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी एक नशेड़ी से नहीं कर सकता, और वो भी चांदनी को अपने जैसा बना रहा है। भाई साहब तुसी ठंड रखो, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। आप क्या समझोगे हमारी परेशानी, हमारी बेटी की जिंदगी नरक होने जा रही है। अरे कुछ तो समझो, हम ये रिश्ता तोड़ने आए। मैं समझावांगी अपने पुत्र नु और चांदनी को भी। बस बस बहुत हो गया। आपके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ मैंने कहा था ना आपसे कि मैं कुलदीप नाली ब्याह करूंगी। आपको बोला ना कि यहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, चलो चलो। ओए खोल लो। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी कुलदीप तुसी कुलदीप को बंद कर देता है, मैं जा रही हूँ। उसको बंद ही रहने दे, अगर बाहर आएगा फिर कोई गड़बड़ करेगा। जानवरों की तरह बंद करके रखा है। अरे सुन तो पुत्र सुन तो। ओए मन्नू चलो मेरे साथ। चांदनी तू? हाँ हाँ चलो। तुसी गुस्सा ना करो भाई, मैं समझावांगी बच्चों, वो मान जाएंगे। पापा जी सानू कोई नहीं अलग कर सकता है। शर्म कर शर्म। पिछड़ अकेला ना पिछड़, हम लोग वही करेंगे जो हमें करना है, ठीक है? चल समझा लो इधर, समझाएंगे। कुलदीप पुत्र समझाएंगे। मैं ना कोई अलग नहीं कर सकता, क्या समझते हो अपने आपको है? हम जी लेंगे अपने अपने तरीके से जिंदगी। पर अभी क्या करें, अभी तो बहुत बेचैनी हो रही है, माल चाहिए कुलदीप। पैसा नहीं है मेरे पास यार, कुछ भी था, मुझे बस माल चाहिए। हो गया पैसे का इंतजाम। पैसे निकाल। चल पीछे हट। मैं मारूंगा पैसे का। नशेड़ी लोग सुधर जाओ तुम। मैं पिंड के सब दस दूंगा। उसी लोग का तो किमें किमें पैसे मांगते लगे हो। हट। हट। पीछे हट पीछे। मारू। निकाल। मुरली को एक नए मोड़ पर। हम फैसला कर लिए हैं कि ये ब्याह तो हम नहीं करेंगे। ये ब्याह सारे घर की किस्मत बदल सकता है, याद रखना।
हालातों से मजबूर मुरली का क्या होगा फैसला? बाबा ऐसो वर ढूंढो सोमवार से रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे दंगल पर। मेरा पुत्र तो था ही नहीं, पता नहीं मोह कैसे इस नरक में पड़ गया। बस एक बार दोनों बात मान जाए तो बहन जी उनको नशा मुक्ति केंद्र ले जाएंगे। चल कर चलिए, मैंने नहीं लगता रात तो पहला आएगी। चंगा जी। घर जाके चैन से सो तो पाऊं, वरना ये बुढ़िया। चांदनी तू चुप कर मनो, ये हमारी जिम्मेवारी, मैं इसको घर छोड़ के आती हूँ, ये नशे में है, तू भाई को दे। चल चांद। और चल। हेलो भाई साहब, मैं चांदनी को लेके आ रही हूँ। ये ले मेरा अच्छा बच्चा। बेटा अपनी माँ की बात मानेगा ना? देख अपने आप को बर्बाद मत कर। वो मन्नू ने ना नक्शा मुक्ति केंद्र वालों की लिस्ट निकाली। चल यार, आप फिर से बकवास शुरू हो गई आपकी। नहीं जाना मेरे को कहीं। बेटा एक बार अपनी माँ की बात सुन ले। माँ छोड़ो, ये नहीं सुनेगा, ये भी औरों की तरह बर्बाद हो चुका है। नहीं मेरा अच्छा बच्चा है, मेरी बात सुनेगा। सुनेगा ना बेटा मेरी बात, मेरी बात सुनेगा। ओ यार बस करो, चुप ही नहीं हो रहा है। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, अब फिर नहीं आऊंगा। चल अच्छा बैठ, खाना तो खा ले। कुलदीप है? माँ पुलिस। क्या हुआ सर? वो कल पास के खेत में एक मर्डर हुआ है, एक किसान का, यहीं पास ही के गांव में रहता था। कुलदीप देखा है तूने? नहीं तो। क्योंकि तू और तेरे साथ एक लड़की, दोनों को वहीं देखा गया है। हम लोग तो गुजर रहे थे वहां से, और ना ही हमने किसी किसान को देखा और ना ही कोई मर्डर को। हम लोग घूमने गए थे और आ गए। चंगा और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछने के लिए आऊंगा। कुलदीप सुन बेटा, कहीं तूने तो नहीं? दोस्तों मैंने कातिल ही बनाता है, अब बस करो। यार बहुत तलब सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है यार, माल चाहिए, कुछ तो करो यार तुम लोग। हम किसी के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं? अरे यार कुछ तो करो, कहीं से भी पैसे लाओ, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। एक रास्ता है मेरे पास जिससे हमारे कुछ दिन आराम से निकल जाएंगे। क्या? देखो
मैं एक आदमी को जानता हूँ जो लड़कियाँ सप्लाई करता है। वो लड़कियों को नौकरी के बहाने ले जाता है और उन्हें बेच देता है। इससे हमें काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी लड़की मानेगी कौन? वही तो कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। मिल जाती तो 30 से 40 हज़ार तो आराम से बन जाते। मिल गई लड़की, वाह, जो मानेगी भी और शोर भी नहीं मचाएगी। मनु, अब वीर सिंह नाराज है? हाँ होगी भी, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं चाहिए, किसी बातें कर रही है? मैं तेरे साथ चलने आया हूँ, सॉरी बोलने आया हूँ। मैं तेरे साथ और मम्मी साथ ना बहुत बुरा किया, मेरे को पता है, माफ कर दे मन्नू। मुझे ना नशा मुक्त केंद्र ले जा, मैं वापस आना चाहता हूँ तुम लोग के पास। प्लीज मन्नू यार। हाँ वीरे, हाँ मैं लेके जाऊंगी, मम्मी कितनी खुश होएगी। चल हम साथ में घर चलते हैं। आ जा, आ जा। इस सप्ताह बदलेगा कहानियों का रुख, शाम 6 बजे। अवधेश बचकर नहीं जाना चाहिए। रणविजय के वार से क्या अर्पिता बचा पाएगी अवधेश की जान? शाम 6:30 बजे विद्या बुआ की साजिशों से क्या सुमन की जिंदगी में लगेगा ग्रहण? शाम 7 बजे जाम घंबड़िया की जमीन का क्या हुआ? केवल वो कांजी वाघेला अब तक हड़चन डाले हैं। कांजी वाघेला के लौटने से क्या नियति दोहराएगी तारुलता का अतीत? शाम 6 से 7:30 बदलेगा कहानियों का रुख दंगल पर। यहाँ कहाँ आ गए? वो चांदनी को लेने आया है, तुम ही समझाओ उसको। वो बोला हम सब भी छोड़ देंगे, फिर हम सब साथ में चलेंगे। देख अब वीरा भी सुधर गया, तू भी अब ये नशा करना छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो सकता है। तुम ये नशा करना छोड़ दो। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत मिस करेगी। कैसे? और सारा माल मैं खत्म कर देना, ठीक है? ठीक है, मेरा वेट करना। ओके, मैं आता हूँ। नशे का जुनून कुलदीप को इस हद तक ले डूबा कि उसने अपनी सगी बहन तक का सौदा कर लिया। ये बात बिल्कुल सच है कि नशे में इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और कुलदीप के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसने जो किया उसका उसे जरा सा अफसोस भी नहीं था। इस नशे की वजह से वो इतना दूर निकल चुका था कि उसका वापस लौटना नामुमकिन सा लग रहा था। बल्कि अब देखना यह था कि उसकी लत उसे और कौन से संगीन जुर्म की तरफ ले जाने वाली थी, और उसके परिवार को और क्या क्या कीमत चुकानी थी। मन्नू आई क्यों नहीं अभी तक? क्या करूं? हाँ, कुलदीप को फोन लगाती हूँ।
ये लड़का भी ना, ट्यूशन में फोन लगाती हूँ। हेलो मन्नू, टाइम से निकली थी क्या ट्यूशन से? हाँ जी, वो तो कब की निकल चुकी है। जी निकल गई थी, फिर आई क्यों नहीं अभी तक? कहाँ चली गई है लड़की, क्या करूँ? पुलिस में कंप्लेंट करना ही ठीक है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जिगर है भाई तेरे में, अपनी बहन को ही बेच दिया। नशे के लिए कुछ भी भाई। लेकिन अगर तेरे घर में किसी को पता चल गया तूने अपनी बहन को ही बेच दिया, तेरी माँ तेरा क्या हाल करेगी? नहीं पता चलेगा। छोड़ना, नशे का इंतजाम हो गया ना। लेकिन कुछ भी उसके बाद क्या ना, मन्नू का फोन से भेज देंगे, उसका कुछ और सोच लेंगे। वाह इंटेलिजेंट, आई लव यू। कुलदीप, कुलदीप, मन्नू अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई, तू ढूंढ के लेके आना उसको। भागी होगी कहीं, पता नहीं किस किस लड़के का चक्कर है उसका। चुप कर पागल, कुछ भी बोलने जा रहा है। अब मेरी बात पे विश्वास करो, पता नहीं कहाँ का चक्कर थे उसके। नहीं विश्वास ना, तनी बता। हाँ हाँ आंटी जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, उसका तो कभी ये लड़के के साथ चक्कर, कभी कोई दूसरा लड़का। मैं गई थी उसे समझाने, लेकिन वो तो मेरी बात मानी ही नहीं। मैंने जब समझाया ना, उल्टा उसने मेरे को धक्का मार दिया, कहने लगी मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। हैं बताओ, मतलब मेरे को समझाने लगी वो। नहीं मैं आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो, आपकी कसम झूठी कहूँगा मैं, बताओ आपको ना मुझसे अलग करने में उसी का हाथ है। मैं सच बता रहा हूँ, अब आराम करो, छोड़ो, चल जाने। नहीं झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी ऐसी नहीं, मैं ढूंढ के लाऊंगी अपनी बेटी को। अब डट कर होगा डर से सामना, हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज, शुरू हो गई है अपराध से पहले, देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां, गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। कर रहे हो तुम दोनों ये? हाँ
मानो का फोन? तुम्हारे पास कैसे आया मन्नू का फोन? हाँ बोल। अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बोल। क्या है? जब तुम जानते ही नहीं कि मन्नू कहाँ पर है, फिर उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जवाब दे। आंटी जी तुझसे अपनी बकबक बंद करो ना, जाओ। तू चुप कर मर जानी है। मैं कहती हूँ बोल, क्या किया तूने मन्नू के साथ? अबे दिया। पागल हो गया क्या जो नशे में बकवास कर रहा है? और नहीं यार, सच बोल रहा हूँ मैं, मैं पैसों के लिए भेज दिया उसको। सच कह रहा हूँ, पैसों के लिए भेज दिया मैं उसको। और जाओ यहाँ से यार, अड्डा हमें जीना दो यार। तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? इतना घिनौना काम, वो भी अपनी सखी बहन के साथ। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं आज वो करूंगी जो आज तक तो कभी नहीं किया। मैं पुलिस को फोन करूंगी। तू जेल जाएगा, जेल। ओए, तुम जो मेरे कुछ नहीं करोगे? नहीं, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और क्या कर रही है? मैं बोले चल जल्दी। नहीं जाने दूंगी। हटो पीछे। नहीं, मैं जैसे तेरी माँ हूँ वैसे उसकी भी माँ हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी। कौन सा इंसाफ? ना हटो पीछे। हटो पीछे। जेल जाएगा जेल। हटो बहुत। ना हटो। कुलदीप इसे मुंह बंद कर। हटो। मैं बोल रहा हूँ हटो। छोड़ पीछे। इंस्पेक्टर साहब, यही है, पकड़ लो इसको। चल, मैं पूछ रही हूँ। पकड़ो इसको। चलो मैडम, चलो 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 चलो। मम्मी 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 मम्मी। ड्रग्स सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। कई छोटे बड़े शहरों की जवान पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है, खास करके पंजाब की, जहां इस नशे की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने जुर्मों को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार द्वारा नशे को रोकने के लिए, इस सामाजिक दूषण को जड़ से हटाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं जहां नशे से जूझने वाले व्यक्ति का इलाज हो सके। कई जागरूक कार्यक्रम किए जा रहे हैं जहां लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जा सके, सचेत किया जा सके। लेकिन ये सब तभी सार्थक होगा जब हम खुद नशे से दूर रहने का प्रण लें। हमारे देश में नशा लेना एक जुर्म है, ये जानते हुए आजकल की जवान पीढ़ी अनजान बन रही है और अपने हाथों से अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। हमारी गुजारिश है सभी देशवासियों से कि हम सब मिलकर अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। जरूरत है जागरूक होने की। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।